सो हे देयर, दिस इज पूक अल्ट्रा सिमल एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो फिर आज हम बात करने हंगामा टीवी एचडी के बारे में। सो डिज्नी ने एक न्यू टीवी चैनल लॉन्च करी है हंगामा टीवी एचडी नाम से। सो वो चैनल हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सो आज हम इन सबके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे इतना बोल चुका, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि पोकेमॉन के रिलेटेड आप मेरे चैनल के द्वारा हर एक अपडेट टाइम टू टाइम देखते रहो और आप एक भी अपडेट को मिस नहीं कर सको। सो अगर आप पोकेमॉन के रियल फैन हो तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर सकते हो, कि अगर पोकेमॉन ब्लैक सीरीज की कोई भी अपडेट आए, अगर पोकेमॉन ब्लैक सीरीज कंफर्म होने की कोई भी अपडेट आएगी तो वो सारे अपडेट्स मैं आपको अपने चैनल के द्वारा देता रहूंगा। तो चलो यार, वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो का अंत तक देखते रहना, अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अगर हंगामा टीवी को पूरा डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया। सो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हंगामा टीवी में कौन कौन से शो देखने के मिलने वाले हैं। सो हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करेंगे हंगामा टीवी एचडी कब तक रिलीज होगा। एंड हम लोग थर्ड और फाइनल पॉइंट में बात करेंगे हंगामा टीवी जब आएगा तो कौन सा चैनल बंद होगा। सो अगर आपको समझ नहीं है तो मैं बता दूं, इसका मतलब हंगामा टीवी जब आएगा तो कौन सा चैनल रिप्रेंड होगा। सो मैं जानता हूँ गाइस अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। तो फिर पिछले जब डिज्नी एक्सटी आया था तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं आता था, फिर वो डिज्नी इंडिया ने डिज्नी एक्सटी को बंद कर दिया गया, फिर उसको चैनल रिप्रेंड करके बना दिया मार्वल एचक्यू। सो वैसे मैं थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कि कौन सा चैनल रिप्रेंड होगा, हंगामा टीवी होगा या फिर मार्वल एचक्यू होगा। मतलब इन दोनों चैनल पर अच्छा सपोर्ट आता है, तब क्या ये चैनल रिप्रेंड होगा या फिर नहीं, या कोई और चैनल रिप्रेंट होगा। तो फिर इन सब के हम पॉइंट 3 में बात करेंगे। सो चलो यार, हमारे इन तीनों पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन तीनों पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको तीनों पॉइंट में थोड़ा सा मजा आता है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर देना, क्योंकि 20% लोग ही है जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और वही लोग वीडियोस देखते हैं, और 80% वो लोग हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तभी वो लोग वीडियो देखें। तो फिर उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों को कोई पैसे बर्बाद तो नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो चलो हमारे दिन तीनों पॉइंट्स के स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, हमें कौन कौन से शो हंगामा टीवी एचडी पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर हम लोग एनिमे की बात करें सबसे पहले, तो हमें एनिमे देखने को मिलने वाले शिनचैन पोकेमॉन, और अगर हम कार्टून की बात करें तो फिर हमें कार्टून में देखने को मिलेंगे सेल्फी विद बजरंगी और गुड्डू, और भी कई सारे कार्टून और एनिमे हमें देखने को मिलने वाले हैं हंगामा टीवी एचडी पे, वो भी उनके न्यू एपिसोड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो भी HD से OP क्वालिटी में, और भी हमें कई सारे न्यू एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं, और हमें उनकी न्यू मूवीज भी देखने को मिलेंगी। सो अगर हम पोकेमॉन की बात करें तो हमें पोकेमॉन के न्यू एपिसोड जैसे कि पोकेमॉन ब्लैक एंड पोकेमॉन एक्स सीरीज देखने को मिल सकती है। तो मैं अपने ओपिनियन से बात कर रहा हूँ, सो मैं ऐसा कंफर्म हो भी सकता है कि हमें पोकेमॉन के न्यू एपिसोड हंगामा टीवी एचडी पे के लिए मिल सकती है। और अगर हम बात करें इनकी न्यू मूवीज की, तो फिर हमें इनकी भी न्यू मूवीज देखने को मिल सकती है, जैसे कि पिछले साल कंफर्म हुई थी पोकेमॉन मूवी 17 डांसर्स एंड द कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन, और अगर हम बात करें पोकेमॉन मूवी 18 की हूप एंड द क्लासेस ऑफ एजेस की, तो फिर हमें ये दोनों मूवीज भी देखने ही मिल सकती है, वो भी फुल HD क्वालिटी में। तो आप फिर जानते होंगे HD क्वालिटी क्या होती है, मतलब HD क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। सो आप लोग कमेंट करो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। सो यार, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे हंगामा टीवी HD कब तक रिलीज़ हो सकता है। तो फिर अगर मैं अपने ओपिनियन से बात करो कि हमें हंगामा टीवी HD कब तक देखने मिल सकती है, तो फिर अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो फिर हमें हंगामा टीवी HD जूनियर जुलाई में देखने मिल सकती है। सो आप लोग सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, कि पोकेमॉन लेगेसी सीरीज में हमें जूनियर जुलाई में देखने मिल सकता है। सो माई ओपिनियन, हमें हंगामा टीवी HD जूनियर जुलाई में देखने को मिल सकती है। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कौन सा चैनल रिप्रेंड होगा। तो मेरे ओपिनियन से हंगामा या मार्वल एचक्यू इन दोनों में से कोई चैनल रिप्रेंड नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते होंगे हंगामा टीवी तो टॉप 5 की लिस्ट में आ जाता है और मार्वल एचक्यू टॉप 10 की लिस्ट में आ जाता है। सो मतलब इन लोगों को कितनी अच्छी TRP आती है, तो फिर इन दोनों में से कोई चैनल रिप्रेंड हो ही नहीं सकता। और अगर बात करें मार्वल एचक्यू की, तो फिर डिज्नी एक्टिव ऑलरेडी रिप्रेंड होकर बन चुका है मार्वल एचक्यू। सो अगर हमें बात करें कि कौन सा चैनल रिप्रेंड होगा, सो ऑफकोर्स डिज्नी इंटरनेशनल XD होगा, मतलब उसके बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर उसको रिप्रेंड होना चाहिए। सो फिर डिज्नी इंटरनेशनल XD रिप्रेंड होकर बन जाएगा हंगामा टीवी HD। सो ये थे हमारा थर्ड पॉइंट। सो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, तो फिर प्लीज सर अभी आप लोग कहीं पहुंच जाना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट बात करना वीडियो में बचा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक फ्रेंड्स, ताकि उन सभी को पता चल सके हंगामा टीवी HD की सारी अपडेट के बारे में। और चैनल भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल भी सेट कर देना, ताकि पोकेमॉन के रिलेटेड जितनी भी अपडेट आए आपको मेरे चैनल के द्वारा आपको सारी की सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप एक भी पोकेमॉन के रिलेटेड अपडेट मिस नहीं कर सको। एंड मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जो कि है हमें सारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आईडी है पोकेमॉन फैंस गैलेक्सी। एंड स्पेशली ट्विटर पे फॉलो कर लेना, क्योंकि हमने ट्विटर का न्यू अकाउंट बनाया, तो फिर जल्दी जाओ फॉलो करो, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बस कैसे आज के लिए बस इतना ही। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।
सो बस पीएफ टू आर्मी ने बहुत सारी बातें कर ली इस वीडियो में। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल भी सेट कर देना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर पीएफ टू आर्मी।